हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग आज भी कुछ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, तो आइए हम लोग वन बाई वन करके यहाँ पे फिर से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको इसका तैयारी करवा रहा हूँ ताकि जब ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए ना, तो आप इसको कभी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, ओके, कभी भी आपको इसको नहीं छोड़ना है, ओके। इसलिए कि इसमें आपको कन्फर्म जो है टोटल मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्केव लेंस में, फोकल लेंथ आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको इमेज और उसका नेचर बताना है। ठीक है, फिर आपको बोलता है कि क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है दूर ले जाएंगे लेंस से। तो ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने मिरर में किया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर पाएंगे। चलें, तो देखिए जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मेरा एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ये हो गया मेरा, अगर हम लोग इसको बनाए, हालांकि पिक्चर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता एग्ज़ाम में, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का देखिए कॉन्केव लेंस है, ओके, और इसके सामने जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या कि गिवेन है क्या कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, वो क्या है, वो है हमारा -14 सेंटीमीटर। डेफिनेटली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, और कोई भी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेज़र करते हैं तो हम लोग इंसिडेंट रे के क्या जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, है ना, पी से मेज़र करेंगे तो अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल होगा तो निगेटिव होगा, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, आपने उसको देखा होगा। ठीक है, चलिए यू हो गया। अच्छा, उसके बाद जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है हम लोग ऑलवेज क्या लेते हैं, उसको निगेटिव लेते हैं, तो इट इज़ -21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइज दे रखा है आपको, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एच बोलेंगे, तो ये हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट सपोज कर लेते हैं कि एच डैश क्या है, ये हमारा साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज, एंड भी जो है वो क्या है, मेरा इमेज डिस्टेंस है, इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि हम लोगों का लेंस है तो हम लोग यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। हाँ, मिरर में क्या होता है, मिरर वाले केस में होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और लेंस वाले में क्या होता है, लेंस वाले में जब तो आप लेंस का बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस के जहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गया। चलिए भी फाइंड आउट करना है, यू मेरे को माइनस में दे रखा है 14, ठीक है, और इफ मेरा जो है वो है माइनस में 21। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मेरा जो 1/v है वो हो जाएगा 1/14, इधर चला आएगा तो -1/21। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 14 का और 21 का, 14 और 21 का एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 42। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यू हमारा माइनस में था ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यू आप देख लीजिए, यू क्या है, यू मेरा निगेटिव है, यहीं पे दिख रहा है, यू मेरा क्या है, -14 है। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इधर ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 14 * 3 = 42, और 21 * 2 = 42, ये -5/42। ठीक है, तो देयरफॉर जो भी है हमारा वो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा 42/5 माइनस में। ठीक है, चाहे तो इसको आप कट कर दें, कट करेंगे तो ये हो जाएगा -8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस साइन क्या बतला रहा है, माइनस साइन बतला रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपका इमेज बन रहा है। ठीक है,
मतलब अभी हम लोग का लेफ्ट वार्ड बन रहा है, ठीक है। और ठीक है, माइनस में है, तो माइनस में है तो डेफिनेटली चूंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो लेंस है वो हमारा है कॉनकेव लेंस, तो इसमें जो इमेज हमारा बनेगा, ठीक है, वो हमारा इरेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिए इरेक्ट होगा और क्या होगा, वर्चुअल होगा, इसलिए कि कॉनकेव लेंस में हमारा जो इमेज हम लोगों को मिलता है वो वर्चुअल मिलता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे क्या, देखिए ऐसे लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। निगेटिव साइन, निगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज, जो क्या होगा, जो आपका वर्चुअल होगा, ठीक है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में, ठीक है, वर्चुअल इमेज ही हमको मिलता है सामने की तरफ। अच्छा, अब इसका हमको मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो वो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, तो ये मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ जो मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड इक्वल टू वी बाई यू। हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो मिरर था, मिरर में ये माइनस वी बाई यू होता था, लेंस में ये प्लस वी बाई यू होता है, ठीक है। चलिए, अब हमको एच डैश तो हमको मालूम नहीं है, बट हमको एच मालूम है, ठीक है। एच हमारा क्या है, एच जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है। अच्छा, भी भी हम लोगों ने निकाल लिया है, माइनस 8.4 है, और यू हमारा माइनस 14 था, ठीक है। ओके, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, चाहे तो आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंपली माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, 14 14 6 84 होता है, ठीक है। तो एच डैश आ जाएगा आपका 0.6 × 3, यानी आपका आ जा रहा है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ये जो है छोटा बन रहा है, वो 3 था तो ये छोटा है, ठीक है, तो छोटा ही बनता है, आप ध्यान अगर दीजिएगा। तो हम लोगों को जो इमेज है वो इरेक्ट मिलेगा, सामने की तरफ सीधा मिलेगा, चूँकि ये प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब है कि ये इरेक्ट मिलेगा, ठीक है, और क्या होगा, छोटा होगा, वर्चुअल था ये तो हम लोगों ने कन्फर्म कर ही लिया। देयरफॉर यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर दीजिएगा, देयरफॉर क्या, देयरफॉर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर इमेज इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, ये इरेक्ट है क्योंकि ये प्लस में आया है, ठीक है, ऑफ साइज 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज स्मॉलर, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो 3 सेंटीमीटर का था, उससे छोटा बन रहा है, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे पूरी हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और शायद पूछ रहा था ना हमसे, क्या पूछ रहा था कि अगर हम क्या करें, व्हाट हैपेंस, ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम लेंस, ठीक है, बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है लेंस से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम लेंस, ठीक है, देन तो क्या होगा, तो जो इमेज है ना, वर्चुअल इमेज, वो भी मेरा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है आपका, ठीक है, तो देन वर्चुअल इमेज इमेज, ठीक है, विल मूव टूवर्ड्स द मिरर, टूवर्ड्स द लेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंस की बात हो रही है। तो देखिए होगा क्या कि चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा साइज है वो क्या है, छोटा है, छोटा होता जा रहा है इमेज का, तो इमेज का साइज छोटा हो रहा है, तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा इमेज का साइज और भी छोटा होता जाएगा, तो यानी वो क्या होगा, वो लेंस की तरफ जाने लगेगा, ठीक है, जो हम लोग रे डायग्राम जानते हैं वहाँ से ये कन्फर्म होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस क्या, ऐसा इसलिए हो रहा है सिंस क्या, साइज जो है, साइज ऑफ जो इमेज है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज, ये घट रहा है एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम और बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये और भी घटते जाएगा, यानी कि ये लेंस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें आंसर ऐड कर लेंगे, ठीक है, चलो हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन को हमको कभी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आकर के तैयार है हमारे पास,
ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, देखिए क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका कॉन्केव कर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों को ना ज्वाइंट कर दिया गया है, कॉन्टेक्ट में रखा गया है, ठीक है। जब आप कॉन्टेक्ट में दोनों को कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्टेंट होगा वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंस, है ना। अभी हमको थिकनेस पे बात नहीं करना है। देखिए तो आपको हम बताए थे कि जो मेरा कॉन्वेक्स नेचर का होता है, ठीक है, देखिए बात समझिए, हाँ, ये मेरा क्या है, ये है मेरा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज़ आवर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और जो मेरा कॉन्केव होता है, ठीक है, तो कॉन्केव को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है, यानी ये फैलाता है और ये सिमेटता है। इसका फोकस जो है वो आपका प्लस में होता है और इसका फोकस आपका माइनस में होता है, ठीक है, फोकल लेंथ। तो हम लोग बस फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, अगर वो प्लस में आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, माइनस में आएगा तो बोल देंगे डाइवर्जिंग की तरफ करेगा। तो बहुत सिंपल होने वाला है, आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है, लेट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, ठीक है, आर F1 एंड F2, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। देयर फोर अब बोलिए F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो F1 हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स का 30 सेंटीमीटर, तो प्लस में लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, और जो F2 है वो कॉनकेव का है तो इसको हम लेंगे माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है भाई, तो अब कुछ नहीं करना, हम लोगों को जो है कॉन्टेक्ट में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेना है, ठीक है। देयर फोर क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस होगा जब दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे, तो आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है, इन कांटेक्ट, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, तो वो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू, सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। अच्छा F1 आपका देखिए 30 है, F2 आपका 20 है माइनस में, LCM आप लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, तो 2 - 3, ठीक है, 30 × 60 और 20 × 60, तो -1/60, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर माइनस को हटा दें तो सॉरी माइनस को नहीं, रेसिप्रोकल को अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ से हमारा जो F का वैल्यू है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है -60 सेंटीमीटर। अभी निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन सोज, ठीक है, ये शो करता है कि जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या है, वो डाइवर्जिंग लेंस का है, ठीक है। तो ये शो करता है क्या, कि सिस्टम ऑफ लेंसेज लेंसेज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड, ठीक है, एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, यही तो बताना था। तो कितना देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या हम मिस करेंगे, नेवर मिस अप, ठीक है, इस सबको कभी हमको मिस नहीं करना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, आइए, ठीक है। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आपको इसको अच्छे से बनाना है और समझ करके रखना है, अगर एग्जाम में आ गया तो मिस नहीं करना, ठीक है। अच्छा देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको पता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, और एक हमारा आईपीस होता है, ठीक है। आपने आई होप मेरा वो वीडियो देखा होगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को फोटो का अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है और आईपीस का आपको 6.25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ट्यूब लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, जब पहला केस में जब इमेज मेरा 25 पे बनेगा और दूसरा केस में जब मेरा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और फिर आपको दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, इसका सॉल्यूशन ऐसे कीजिएगा सिंपली, कैसे, ठीक है, लिखिएगा लेट क्या
F1 ले लेते हैं हम लोग, क्या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब इसको आप O फॉर ऑब्जेक्टिव भी डिनोट कर सकते हैं, तो आप FO ले लीजिए, FO, ठीक है। तो FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये हमारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद FE ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर, बिल्कुल यूजुअल है चूँकि आई पीस का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच का जो ट्यूब डिस्टेंस है, ठीक है, डी, इसको हम डी बोलते हैं, क्या है, ये है हमारा सेपरेशन, दोनों के बीच का गैप है, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, ठीक है, जिसको आप ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं। तो ये आपका दे रखा है कितना है, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब चलिए नंबर ए में हमको जो ऑप्शन है वो ये कि फाइनल इमेज मेरा कहाँ बनता है, तो फाइनल इमेज मेरा बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो अच्छा अच्छा यू तो हम लोगों का दिया हुआ था ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छा वो ही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट क्या यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्टिव से ही होगा, तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए नंबर अब आ जाइए, ठीक है, ए नंबर में हम ले लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, लेट भी इज इक्वल टू क्या, भी ई बल के ले लेते हूँ, ठीक है। भी ई मतलब क्या हो गया, ये मेरा हो गया फाइनल इमेज डिस्टेंस, ठीक है, फाइनल इमेज डिस्टेंस कहाँ से, आई पीस से, ठीक है, फ्रॉम आई पीस, क्योंकि जो भी हम लोग मेजर करेंगे वो आई पीस से मेजर करते हैं, पता है आपको, ठीक है। और यू जो है ये हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। चलिए अब वन बाई वन करके हम लोग यहाँ पे केस ले लेते हैं। पहला केस में हमको दे रखा है, ठीक है, पहला केस में हमको लेना है क्या कि भी ई जो है वो ले लेना है मेरे को -25, ठीक है। क्योंकि आप फिगर देखे हैं ना, तो अगर आप आई पीस का देखेंगे तो आई पीस के लिए ये क्या होता है, टू वार्ड लेफ्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसको माइनस में लेंगे, ठीक है। फिगर अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखाऊँ तो शॉर्ट में देखिए इस तरह से फिगर होता है इसका, ये हो जाता है मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये मेरा हो जाता है आई पीस, ठीक है, दिस इज़ आवर आई पीस, ओके, और ये मेरा ट्यूब लेंथ हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम जो मेरा इमेज बनता है, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे कहीं पे बनता है, ठीक है, और उसका जो फाइनल इमेज है फिर आपको वो लास्टली समवेयर इधर बनता है, ठीक है ना। तो ये एक मैं आपको रफ जो है पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके, बाकी फिगर आप लोगों को अच्छे से आता है इसका। तो ये मेरा होता है आई पीस, ठीक है, ये जो है ये मेरा क्या है, ये है मेरा आई पीस, ठीक है, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दोनों के बीच का जो गैप है ये आपको दे रखा है कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए ये होता है मेरा भी ई, तो अगर हम लोग इसके लिए देखें आई पीस के लिए, तो ये क्या है, ये टू आर्ड आपका, यहाँ से अगर आप मेज़र करेंगे तो टू आर्ड क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट है, तो आपको इसको निगेटिव में लेना है, तो ये आप ले लेंगे निगेटिव में, ठीक है। अच्छा तो पहला केस में भी ई हमारा -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको क्या पता करना है, हमको निकालना है इस केस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो यू नॉट ही हम निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, बाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस, ठीक है, आई पीस के लिए लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होएगा, 1/VE - 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, ठीक है, ई फॉर आई पीस, ओके। यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा 1/UE निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/VE - 1/FE, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, VE हमको लेना है -25 और ये हमको FE लेना है, जो FE है मेरा, ठीक है, फोकल लेंथ, ओके, वो मेरा दे रखा है 6.25। दोनों देखिए जो कि कन्वेक्स लेंस है, इसलिए दोनों का फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए दोनों का पॉजिटिव लिया गया है, ओके। चलिए आइए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इसको सोल्व आउट करेंगे, तो 1/UE इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 25 से 25 को गुना कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला आता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ठीक है,
तो इसका यहाँ पे जो एलसीएम है वो इस तरीके से आप लीजिएगा। अच्छा, ये भी हम लोग देखेंगे, ये 6.25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये भी कितना आता है, ये भी आपका 25 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आपका 25 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस वन कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे -4, तो ये हो गया हमारा -5 इंटू -25, ठीक है। तो ये हमारा -1/5 आ रहा है, यानी यहाँ से हमको यू ई निकल गया, यू ई क्या आ जा रहा है, यू ई आ जा रहा है -5 सेंटीमीटर, और माइनस में आना ही चाहिए क्योंकि ये भी सामने था, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको निकालना है, जैसे ये तो हो गया, ये जो आया है, तो ये यू ई जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, यू ई देखिए इसको हम लोग यू ई बोलते हैं, फिगर ऊपर में देखिएगा अच्छा से तो समझिए, है ना। ये जो है मेरा, ये मेरा कहलाता है यू ई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यू ई तो हम निकाल लिए, तो हम अगर अब चाहते हैं, हमको चूंकि यू नॉट निकालना है, ये मेरा यू नॉट है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो यू नॉट निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए होगा, वी नॉट चाहिए होगा। तो वी नॉट क्या होगा, तो इसके लिए इमेज होता है ये वाला, ठीक है, तो ये वी नॉट है, ठीक है। तो अब देखिए, वी नॉट और यू ई को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 15 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या होता है, सिंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, जो बीच का जो ट्यूब डिस्टेंस है वो होता है वी नॉट प्लस यू ई, ठीक है, ये आप जानते हैं, ओके। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो पूरा बीच का गैप आ जाएगा, हाँ। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से यू ई, तो यू ई क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा डी माइनस वी नॉट, ठीक है। क्या लिख दिया हम लोगों ने, हाँ ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको वी नॉट चाहिए था ना, सॉरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से करेंगे कि यहाँ से हमारा वी नॉट क्या हो जाएगा, यू ई माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यू ई आपका -5 है और डी आपका है 15, तो ये आपका आ जाता है। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये आपका मैग्नीट्यूड आपको लेना है, क्योंकि आप लोग, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली माइनस कर रहे हैं, तो हम जो है ना, जैसे ये जो फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है, तो सिंपली जो वी नॉट होगा, एक मिनट, थोड़ा सा उल्ट लिख भी दिया उल्टा हम लोगों ने, इसलिए मिस्टेक हो रहा, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, चलिए वी नॉट हो जाएगा मेरा डी माइनस यू ई, ठीक है। तो डी तो मेरा कितना है, 15 है। अच्छा, यू ई को अब यहाँ पे माइनस मत लीजिएगा, प्लस ही लीजिएगा, क्योंकि ये तो अब सिर्फ लेंथ मेज़र कर रहे हैं ना, लेंथ मेज़र करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ। 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं ले रहे हैं माइनस, इसलिए कि यहाँ पे भाई सिंपली आपको वी नॉट निकालना है। तो कॉमन सेंस है, कोई भी बोलेगा कि भैया यू ई अगर 5 आया है, माइनस तो इसलिए आपने लिखा है कि वो सामने बन रहा है, तो ठीक है, लेकिन है तो ये 5, अगर ये 5 है, ये 15 है, तो वी नॉट कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है। तो वी नॉट हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये प्लस में बिल्कुल आएगा, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टुवार्ड राइट, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर पाएगा, तो वी नॉट निकल गया। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का लेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 1/V0 -1/U0 इज इक्वल टू 1/F0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम लोगों को 1/U0 निकालना है फाइनली, तो ये हो जाएगा 1/V0 -1/F0, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, वी नॉट क्या दे रखा है, वी नॉट है 10, ये हमारा भी आया था, और एफ नॉट हम लोगों का कितना है, तो एफ नॉट जो हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ था वो हमारा 2 था ना, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 -5 यानी -4/10, ठीक है। इसको आप -2/5 भी लिख सकते हैं कैंसिल करके। तो फाइनली जो यहाँ से यू नॉट आ रहा है, यू नॉट क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -5/2 यानी -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत आसानी से निकल गया। अच्छा, अब आपको मैग्नीफाइंग पावर भी बोला था, तो मैग्नीफाइंग पावर भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, कैपिटल एम, इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है, यू नॉट का हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और 1 प्लस क्या होता है, डी बाई एफ ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए, यहाँ पे हम सारा वैल्यू को पुटअप कर देंगे,
तो हमारा वी नॉट आया है 10, ठीक है। यू नॉट का पॉजिटिव वैल्यू लिखिए तो 2.5, माइनस में मत लिखिएगा, 1 प्लस, ये हमारा 25 होता है, और एफ ई भी हमारा 6.25 है, और हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 10/2.5 इंटू 1 प्लस 4, 5। फिर इसको आप 2 टाइम्स में कट कर देंगे, 2.5 × 2 5 होता है, तो 10 × 2 20 आपका आ रहा है, तो ये हमारा आ गया मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो पहला वाला आपका केस पूरा हो गया, दूसरा वाला जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है वो, तो हम लोग समझा समझा के कर रहे इसलिए हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बी वाला केस देखें तो बी नंबर में हमको क्या बोला था कि हमारा जो भी ई है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, अगर भी ई इन्फिनिटी होगा देन तो क्या हो जाएगा, अगर आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे 1 - VE इज इक्वल टू 1, ये लेंस फार्मूला फॉर आई पीस, तो यहाँ से VE अगर इन्फिनिटी है तो 1/VE मेरा सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट आपका जो यहाँ से UE है वो निकल जाएगा क्या, माइनस एफ ई, चूँकि ये वाला वैल्यू तो हट गया, ठीक है, 0 हो गया ये, तो UE इक्वल टू माइनस एफ ई निकल जाएगा, यानी एफ ई क्या था आपका, -6.25 सेंटीमीटर। अच्छा, UE अगर निकल गया तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वी नॉट, ठीक है, जैसे ऊपर निकाले थे। तो वी नॉट क्या होता है, तो वी नॉट होता है डी माइनस यू ई, ठीक है। अच्छा, डी तो मेरा टोटल कितना है, डी है मेरा 15, माइनस इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 6.25 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल गया, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे आई पीस के लिए, जैसे ऊपर में किए थे, तो फॉर आई फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/V0 - 1/U0 इज इक्वल टू 1/F0, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मेरा जो 1/U0 हमको निकालना है ये हो जाएगा 1/V0 और -1/F0, इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व कर लेंगे ऐसे करके, वन इधर कर दे रहा हूँ, 1/U0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V0 का वैल्यू हमारा आ गया है 8.75 माइनस F0, F0 हमको दे रखा है कितना, 6.25, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो F0 2 था ना, 2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखिएगा इन दोनों का आ जाएगा 17.5, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, ऊपर में एलसीएम 2 - 8.75 आ जाएगा, माइनस करेंगे ऊपर में, तो ऊपर में -6.75 आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 17.5, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो यू नॉट का वैल्यू है वो यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा आपका, उल्टा कर दीजिएगा, 7.5 - 6.75, ठीक है। चाहे यही छोड़ सकते हैं वैल्यू आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, और सोल्व कीजिएगा तो 2.6 सेंटीमीटर अबाउट ये आएगा, ठीक है। यू नॉट निकल गया, अब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना था, यहाँ पे भी आपको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में क्या होगा, ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि इस केस में आप मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, तो फिर देखिए यहाँ से लिखिएगा, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो यही होगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या लेना है, चूँकि हम लोगों को जो भी ई है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा एम का वैल्यू, वो हम लोगों ने पढ़ा है क्या हो जाता है, वो हो जाता है वी नॉट बाई यू नॉट फार्मूला, ठीक है, और ये हम लोगों का हो जाएगा कैपिटल डी बाई, ठीक है, यू ई का मैग्नीट्यूड यही होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो वी नॉट हमारा जो है वो आया है 8.75, इस केस में ये आया है 2.6, ये अगेन 25 होता है, ये 6.25 होता है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बट कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे या इसको अबाउट में करके लिख देंगे, यही कुछ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोनों केस में आपका एम का वैल्यू निकल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत रेयर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आता है, कोई एक ही केस आएगा, तो उसके लिए आपको डोंट वरी, ठीक है, वरीड नहीं होना है आपको, बस इसको बनाना है, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ओके। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मेरा ये है, ठीक है। क्या बोलता है, ए पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यही होता है जनरली, यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको दे रखा है, ठीक है, एमएम में है, तो ध्यान दीजिएगा, इस एमएम को ध्यान देना है, इसको हम लोग सेम यूनिट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आईपीस का भी दे रखा है, ठीक है, कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये हमारा दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, आपको डी निकालना है, ठीक है ना, और फिर मैग्नीफाइंग पावर करना है। तो अब तो सेम क्वेश्चन हो गया, तो उसी तरीके से बनाएंगे, मैं बस इसको हिंट कर देता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए एफ नॉट दे रखा है मेरा 8.0 mm, ठीक है,
ओके अच्छा एमएम, और आपको पता है कि इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। हाँ 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए, एफ नॉट हो गया। अच्छा एफ ई आपको दे रखा है कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है अच्छा, फिर इसके बाद यू नॉट, यू नॉट आपको दे रखा है कितना है, यू नॉट फिर से आपका माइनस में लेंगे, पता है चूंकि सामने होता है, एमएम में है तो इसको फिर से कर दीजिएगा तो -0.9 ये भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है अच्छा, फिर कैपिटल डी, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है अच्छा, तो अब देखिए, तो हम लोगों को इमेज डिस्टेंस जो होता है, चूंकि वो लीस्ट डिस्टेंस पे ही बनता है, तो ये माइनस डी लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा -25 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है तो सारा ही वैल्यू आपको मिल गया है। ठीक है तो आइए हम लोग पहले जो है आई पीस के लिए लगाते हैं, आई पीस। ठीक है आई पीस के लिए लगाएंगे अगर, तो क्या होगा, तो होगा 1/VE -1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ठीक है तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो VE हमको -25 है। ठीक है तो यहाँ से मेरे को UE मिल जाएगा आराम से, और FE मेरा 2.5 है। ठीक है तो यहाँ से जब आप UE निकालेंगे तो 1/UE इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, -1/25 और -1/2.5। ठीक है 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो ये आपका 25 ही एलसीएम होगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे -10। ठीक है तो ये हमारा हो जा रहा है -11/25, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया है बट नो वरी। ठीक है इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से मेरे को यू ई मिल जाता है कितना, -25/11। ठीक है अगर थोड़ा सा पॉइंट पे निकालेंगे तो 2.27 नियरली आएगा। ठीक है चलिए यू ई निकल गया। अच्छा यू ई अगर निकल गया है तो अब यहाँ से हम लोग आई पीस के लिए काम करेंगे। ठीक है ओके अच्छा, तो आई पीस के लिए देख लेते हैं, चूँकि यू नॉट दिया हुआ है, एफ नॉट दिया हुआ है फॉर आई पीस, है ना, सॉरी फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लोग काम करें तो फार्मूला हो जाएगा 1/V0 -1/U0 इज इक्वल टू 1/F0। ठीक है तो यहाँ से चलिए, वी नॉट तो पता नहीं है, ये मेरे को पता है -0.9 सेंटीमीटर है, तो प्लस हो जाएगा 0.9। ठीक है अच्छा एफ नॉट, एफ नॉट कितना है, तो एफ नॉट हम लोगों को दे रखा है 0.8। ठीक है तो यहाँ से आप 1/V0 ऐसे निकाल सकते हैं, 1/0.8 -1/0.9। ठीक है इसका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम देखिएगा 72 हो जाएगा, 8, 9, 72 गुना कर दीजिएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है अच्छा 8, 9, 72 होता है तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा ना, 0 डेसिमल तो नहीं आएगा अब यहाँ पे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको ऊपर में 9 -8, तो ये 1/7.2 आ जा रहा है, तो यहाँ से हमारा वी नॉट मिल जाएगा हमको क्या, 7.2 प्लस में। ठीक है देखिए यू ई मिल गया और वी नॉट मिल गया। ठीक है तो यू ई और वी नॉट अगर मिल गया तो जो सेपरेशन होता है, ठीक है सेपरेशन उसका, उसका तो हम लोग अभी देखे थे रिजल्ट क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ठीक है आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग स्मॉल डी भी बोलते हैं, तो वो होता है मेरा वी नॉट प्लस यू ई। ठीक है दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को पॉजिटिव में ऐड कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ लेंथ है, तो 2.27 ऐड कर देंगे। ठीक है तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे कितना, ये आपका आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर। ठीक है बहुत सिंपल है। अच्छा अब मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालने के लिए बोला था, तो मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल लेते हैं। ठीक है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है तो इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि ये होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ, ठीक है ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1+D/FE, ये मैंने पूरा आपको निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है लिंक में डाल दूंगा, उसका भी रिजल्ट आप देख लीजिएगा। तो ये मेरा 7.2 है, यू नॉट मेरा 0.9 है, ठीक है और डी मेरा 25 होता है और एफ ई भी मेरा कितना है, 25 है, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जा रहा है, तो 7.2/0.9 इंटू 2
ठीक है, इस तरीके से ये आ जा रहा है ना। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये 9 8 72, यानी ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8, ठीक है, 80 हो जाएगा। क्लियर है। तो 80 को हम लोग सिंपली, अच्छा 0.9 है, ऊपर 7.2 है ना, थोड़ा सा मिस हो रहा है। यस यस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, डेसिमल में ही था। तो डेसिमल में था तब तो ये डायरेक्ट ही कटेगा ना, 7.2 है, ठीक है, तब तो 9 8 72 कट जाएगा। तो 8 दूना 16, तो हमारा ये मैग्निफिकेशन इसका 16 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो देखें मुश्किल तो नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यूअर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आता है, जो बहुत काफ़ी बार आता है, तो इस तरीके से आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।